नहीं, ऐसा नहीं, कभी भी ऐसा नहीं होता था बजट के लिए, सिर्फ कांग्रेस गवर्नमेंट में ऐसा होता था, लेकिन ये गवर्नमेंट में वो कोई पूछताछ नहीं है। वो उनको जो भी दिल में आता है वो करते हैं, और फिर बाद में जब बजट पेश होता है तभी आपको मालूम होता है कि गवर्नमेंट हमेशा अपोजिशन को निगलेक्ट करती ही आई और अच्छी बात रखने के लिए कभी मौका नहीं दिया। पहले सर आपका ये होता था कि हर पार्टियों के आप अभिप्राय पूछते थे, उनसे बात करते थे बजट से पहले, आपको लगता है कहीं गवर्नमेंट अपना ही कंसिडरेशन कर रही है? नहीं, ऐसा नहीं, कभी भी ऐसा नहीं होता था बजट के लिए, सिर्फ कांग्रेस गवर्नमेंट में ऐसा होता था, लेकिन ये गवर्नमेंट में वो कोई पूछताछ नहीं है। वो उनको जो भी दिल में आता है वो करते हैं, और फिर बाद में जब बजट पेश होता है तभी आपको मालूम होता है कि किस स्टेट को क्या मिला, किसको क्या मिला, किस लोगों को उन्होंने, सरकार ने क्या दिया, उस वक्त ही मालूम होता है। इसमें कोई पूछताछ, एक दूसरे का विचार करना, ऐसी प्रथा बीजेपी ने तो नहीं डाली। कांग्रेस ने लगातार सर बहुत सारे इशू को, स्पेशली टैक्स इशू हो और बॉर्डर इशू को लेकर बहुत सारे इश्यूज को रेज की थी, आपको लगता है सर कहीं इस बार गवर्नमेंट वो कंसीडर करेगी सर? नहीं, अब देखेंगे, फिर एक बार उठाते हैं। देखो, ये चीज़ें ऐसे होते हैं कि बार बार हम उठाना और लोगों के जो भी ग्रीवेंसेस है उसको सरकार के सामने रखना, और ये हमारा फर्ज होता है, और इसलिए हम हमेशा कोशिश करते रहेंगे। अब सरकार अब इस बार क्या करेगी, कैसा करेगी, हम देखेंगे। अब ये गवर्नमेंट हमेशा अपोजिशन को निगलेक्ट करती ही आई और अच्छी बात रखने के लिए कभी मौका नहीं दिया, और जो जनता के तकलीफात है वो अगर पार्लियामेंट में हो, राज्यसभा में रखना चाहते हैं, तो उसको कभी मौका नहीं मिलता, क्योंकि सरकार वो नहीं चाहती कि उनके जो फेल्यूअर्स है लोगों को मालूम हो, तो इसीलिए वो लोग मौका नहीं देते और खुद ये सारी चीज़ें तय करती है गवर्नमेंट। हम स्पीकर को ब्लेम करना, चेयरमैन को ब्लेम करना, ये अच्छा नहीं है, क्योंकि वो जो एजेंडा रहता है उसके मुताबिक वो प्रेशर टैक्टिक्स करते हैं सरकार वाले, तब ये चीज़ें आते हैं कि हाउस एडजर्न करना या कट शॉर्ट करना डिबेट, ये सारी चीज़ें सरकार करती है।